अखिल भारतीय पल्लवी जैन महासभा द्वारा 2 अक्टूबर को आयोजित क्षमा वाणी कार्यक्रम एवं वृद्धजन सम्मान समारोह होगा। दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को दोपहर 1 बजे नारायण भवन MD जैन हरिपर्वत की गई प्रेस वार्ता, जिसमें जैन महासभा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस प्रकार क्षमा वाणी कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। रमेंद्र जैन, संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश। अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 अक्टूबर को भव्य आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज को एकजुट कर समाज के द्वारा संस्था के माध्यम से हम लोग वृद्ध जनों का सम्मान और 10 लक्षण पर्व में जो त्यागी व्यक्ति होते हैं उनका सम्मान किया जाता है, तथा समाज के अंदर प्रतिभाभावी जो छात्र छात्रा हैं उनको भी सम्मानित करके हम लोग ये कार्य करते हैं, और हमारा उद्देश्य समाज को एकजुट करने का रहता है। आज पोस्टर गिरा, किस तरह का आयोजन होने जा रहा है, क्या प्रोग्राम है? भारतीय पल्लीवाल जैन सभा आपका स्वागत है। कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है, जिसमें समाज के सभी लोग होकर के संतन होकर के अक्टूबर के काम कर रहे हैं, जिसमें कि लेडी और जैन सब मिलकर के संबंधित होते हैं, तथा जो प्रोत्साहन बच्चों को मिलता है उसको काम करने से। क्या नाम है सर? मेरा नाम मनीष जैन है, बागरसा का मंत्री हूँ। वर्तमान में जो मेला हो रहा है इसका मेला संयोजक हमारा जो अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा केंद्रीय स्तर से कार्यक्रम किया जाता है, और 2 अक्टूबर में हरेक प्रत्येक शाखा में अपने देश में जितनी शाखाएँ सभी के द्वारा 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम किया जाता है। उसी के तहत आगरा शाखा में भी 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारे कार्यक्रम की शुरुआत झंडा रोपण, रक्तदान शिविर, बच्चों के खेलकूद और वृद्धजन सम्मान, प्रतिभा प्रोत्साहन, और महिलाओं के द्वारा हमारे जो पल्लीवाल समाज के बच्चे हैं उनके द्वारा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके अलावा भोजन सहभोज की व्यवस्था की जाएगी। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का वो ये रहता है कि हमको साल में एक बार पूरी समाज को यहाँ पर हम लोग इसी मेले के तहत इकट्ठा होता है समाज, और बड़ी धूमधाम से यह मेला आगरा समाज पल्लीवाल समाज द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज को संगठित और एकत्रित और एक जगह इकट्ठा होना, यही उद्देश्य है। ठीक है। पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा 2 अक्टूबर को अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा का पूरे देश में विभिन्न शाखाओं में क्षमावाणी पद के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आगरा में भी ये कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ पल्लीवाल जैन समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा है। इसमें इसका प्रारंभ रक्तदान शिविर से होगा, और इसके बाद वृद्धजन सम्मान, त्यागी व्यक्तियों का सम्मान, प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान, समाज की प्रतिभाओं का सम्मान, खेलकूद प्रतियोगिताएं, अनेकों कार्यक्रम यहाँ के युवा महिला मंडलों के द्वारा शाखा के द्वारा किए जाएंगे। इसके बाद में वात्सल्य भोज का आयोजन किया गया है। मेरा सभी पल्लीवाल जैन समाज के बच्चों से, महिलाओं से, समाज से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक चर्चा में भाग नहीं करते इस कार्यक्रम को। क्या पर्ची आपका? मैं राहुल जैन एडवोकेट, आगरा शाखा मंत्री हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति हर वर्ष हम 2 अक्टूबर क्षमावाणी के रूप में मनाते हैं, जिसमें वृद्धजन सम्मान, त्यागी वृत्ति सम्मान, रक्तदान शिविर, खेलकूद, बच्चों की ड्राइंग कॉम्पिटिशन और समाज के द्वारा बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, और बड़े उत्साह के साथ 2 साल के कोरोना काल के बाद हमारा कार्यक्रम बड़े बेहद रूप से संपन्न होने जा रहा है। मैं सभी समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल,
जेएसआर टावर गोबर्धन क्रॉसिंग।